हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के इस न्यू ट्रांजिट कार्ड के बारे में। और इस वीडियो को बेसिकली हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले में हम बात करेंगे कि पेटीएम ट्रांजिट कार्ड है क्या, फिर जानेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि आपको ये पेटीएम ट्रांजिट कार्ड लेना चाहिए या फिर आपका जो पुराना वाला कार्ड था आपको इस पर ही रहना चाहिए। क्या है पूरा फंडा इस ट्रांजिट कार्ड का, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में। और इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ओवरऑल, बिकॉज बेनिफिट और इसके जो डिसएडवांटेज है सबके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पेटीएम ट्रांजिट कार्ड है क्या। सो गाइस, ये जो कार्ड है ये कॉम्बिनेशन है हमारे डेबिट कार्ड और ट्रैवलिंग कार्ड जो आता है, जैसे कि ये मेट्रो कार्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गाइस ये अकेला ट्रांजिट कार्ड है। इससे हम ट्रैवलिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक हम जब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई हमें अलग से कोई टोकन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अलग से मेट्रो का कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे भी चल जाएगा। दूसरी बात, हम इसको बस में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो पार्किंग के टाइम पे पेमेंट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम जाते हैं मूवीज़ देखने या फिर मॉल वगैरह जाते हैं, फूड कोर्ट पर कुछ खाना पीना खाते हैं, वहाँ की पेमेंट भी आप इससे कर पाओगे और शॉपिंग के लिए भी आप इस कार्ड को यूज़ कर पाओगे। तो ऑल इन वन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अभी तक क्या था, जो पुराना वाला मेट्रो कार्ड था इस तरीके का, इसको सिर्फ आप मेट्रो में यूज़ कर सकते थे और दिल्ली की जो DTC बस है उसमें यूज़ कर सकते थे। अगर अदर सिटी में रहते हो तो वहाँ का मेट्रो कार्ड सिर्फ मेट्रो में ही चलता था। लेकिन इस कार्ड के आने के बाद चेंजेस क्या हुए जो कि इसमें नहीं थे। इस कार्ड में रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, इसमें आप बैलेंस नहीं देख सकते थे घर पे। बैलेंस देखने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर टॉपअप जो मशीन होती है उसमें लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके बाद बैलेंस देख सकते थे। और रिचार्ज करने के बाद भी आपको वहाँ पे जाके टॉपअप करना पड़ता था। दूसरी बात, अगर आपसे ये कार्ड खो गया तो उसमें आपके जो भी अमाउंट था, लाइक 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना भी अमाउंट था सब कुछ चला गया, उसका रिकवरी का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जो इसके डिसएडवांटेज थे वो इसमें एडवांटेज बन के आए। इसके एडवांटेज क्या है कि इसका बैलेंस जो है अपने पेटीएम ऐप पे देख सकते हो। दूसरी चीज़, इसको पेटीएम ऐप से रिचार्ज कर पाओगे, ये इसके काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो लंबे लंबे लाइन में लग के अब वो जो झंझट था वो आपको ज़रूरत नहीं है, एक बार ये ले लो। और अगर आप बाहर भी जा रहे हो आउटडोर में तो आपको बहुत सारे कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ये कार्ड ले जाओ। और इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर ट्रैवलिंग भी कर लोगे, शॉपिंग भी कर लोगे, खाना पीना जो खाना है उसकी पेमेंट भी सब कुछ हो जाएगी। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। अब बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेज की। तो देखो भाई, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा मेरे को क्या लगा कि जो ट्रांजिट कार्ड है ना, इसके इतने सारे बेनिफिट होने के बाद भी डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको इसको रिचार्ज करने के बाद टॉपअप तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मेट्रो का काउंटर होता है जहाँ पे हम पुराने वाले कार्ड में जाके वैल्यू एड ऑन करवाते थे कैश देके या फिर डेबिट कार्ड देके, आपको उस काउंटर की लाइन में लगना होगा और वहाँ पे जाके इसमें वैल्यू एड ऑन करवानी होगी। जबकि आपने रिचार्ज अपने पेटीएम ऐप से कर चुके होंगे ऑलरेडी, उसके बाद में आपको लाइन में लगना पड़ेगा इसमें वैल्यू एड ऑन करवाने के लिए। लाइक टॉपअप जैसा ही है, लेकिन टॉपअप तो टॉपअप मशीन से भी हो जाता था, लेकिन ये टॉपअप मशीन से नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में पेटीएम में अपनी अलग मशीन लगाए या फिर पुराने वाली टॉपअप मशीन है उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करे कि आप वहीं से इसमें वैल्यू ऐड ऑन कर सको, बट फिलहाल ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है। तो ये मेरे को काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज लगा। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है गाइस कि जो हमारा पुराने वाला मेट्रो कार्ड था ये वाला, या फिर आपका जो भी सिटी में आप रहते हो वहाँ का जो मेट्रो कार्ड है वो वाला, तो इसमें क्या होता है, अगर 10 रुपये भी है तो मैं मेट्रो में एंट्री ले सकता हूँ। और जब मैंने ट्रैवल किया तो मान लो मेरा फेयर बना 60 रुपीज़, तो उसमें 50 रुपीज़ माइनस में चले जाते थे और मेरे को दिक्कत नहीं होती थी। नेक्स्ट टाइम मैं रिचार्ज करता था उसमें से अमाउंट माइनस में चला जाता था। लेकिन ये वाले कार्ड में क्या सिस्टम है कि अगर इसमें 10 रुपये हैं तो आप एंट्री तो ले लोगे, लेकिन जब एग्जिट की बारी आएगी तो आपका जो फेयर कैलकुलेट होगा वो 10 रुपये से अगर ज़्यादा हुआ, जो कि बेसिकली 10 रुपये तो आजकल लगते ही नहीं है, मिनिमम जो किराया है वो 20 रुपये, जो आपका फेयर है वो ज़्यादा है आपके अवेलेबल अमाउंट से, तो आप एग्जिट नहीं ले पाओगे। जो कि आप पुराने वाले कार्ड, जो कि आपका पहले कार्ड था तो आप एग्जिट ले सकते थे, बट इस कार्ड से आप एग्जिट नहीं ले पाओगे। आपको इंस्टेंट कार्ड में रिचार्ज करना होगा, उसके बाद ही ये जो है एग्जिट आपको देगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा डिसएडवांटेज है जो मैंने नोटिस किया है कि जब आप एग्जिट ले रहे होते हो तो ये वाला कार्ड है पुराना वाला, ये किसी भी मशीन में इजीली काम कर जाता है, टच करो निकल जाओ। लेकिन जो आपका ये पेटीएम वाला कार्ड है, ये जो नई वाली मशीन है जिसमें कि बारकोड स्कैनर भी होता है, जिसमें कि NFC का सिग्नल बना होता है, तो उसमें जल्दी वर्क करता है, बाकी में थोड़ा बहुत टाइम लेता है। तो ये 3 डिसएडवांटेज थे जो कि पीछे रखते हैं कि आप इस कार्ड से स्विच ना करो। जैसे कि हमारा तीसरा पॉइंट था कि आपके पास अगर ये वाला कार्ड है तो क्या ये वाला कार्ड लेना चाहिए।
देखो भाई अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि चार्जेस बता देता हूँ। अगर आप ये कार्ड बनवाते हो तो 150 रुपये का बनता है, जिसमें कि आपको उसमें 100 रुपये वैल्यू मिल जाती है, 50 रुपये इस कार्ड के चार्जेस होते हैं। इस कार्ड में क्या है तो एक बार तब इस कार्ड के बनाने की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि इसको बनवा कौन सकता है। जिसके पास पेटीएम का अकाउंट है बेसिकली वो इस कार्ड को बनवा सकता है। अगर आपका पेटीएम का अकाउंट नहीं है तो पहले आपको पेटीएम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। अब गाइस क्या है, इसके बनाने के चार्जेस हैं 250 रुपये, जिसमें कि 100 रुपये आपके पेटीएम वॉलेट में आएंगे, 100 रुपये ट्रांजिट कार्ड में आएंगे, 50 रुपये इसको बनाने के चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में बात करें दोनों में इक्वल चार्जेस हैं, बाकी आपको पैसा रिफंड मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने चाहेंगे कि ये जो कार्ड है ये हम क्यों बनवाएं जब हमारे पास पुराना वाला कार्ड है। तो देखो गाइस मैंने आपको जैसे बता दिया, इस कार्ड का जो फुल्ली कंट्रोल है वो आपके हाथ में होगा। अगर आपका ये कार्ड जो है खो भी जाता है तो आप अपने एप्लीकेशन से उसको ब्लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो, जो कि इसमें ऐसा नहीं होता था। दूसरी चीज़ कि आपका बजट है, मान लो कोई घूमने जा रहा है, आपका एक फिक्स अमाउंट का बजट है, तो उस बजट को आप क्या करो पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर लो। उसके बाद जब पेमेंट करने जाओगे तो आपका जो बजट है सिर्फ उसी में से अमाउंट खर्च होगा। अगर आपका बजट जो है पार हो जाता है तो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पर आप अपने बजट को कंट्रोल में रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कार्ड नहीं है और आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस होगा उसमें से टोटल अमाउंट कटेगा, तो हो सकता है आप अपनी लिमिट जो है वो पुश कर जाओ। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। तो बस ये कार्ड है तो मैं सजेस्ट करूँगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर बस ये कार्ड है तो उस पर स्विच मत करो। और बाकी अगर आप दो कार्ड रखते हो तो आप इसको ले सकते हो, बट इसका जो वाला सिस्टम था ना कि लाइन में लग के जो है इसमें वैल्यू रिटर्न करवाने पड़ेगी, वो मेरे को बिल्कुल बेकार लगा। तो आई होप कि पेटीएम आने वाले टाइम में जल्द ही इसका सोल्यूशन लेके आएगा कि लाइन में लगना ना पड़े। तो इस कार्ड को लेने का फायदा है कि अगर स्टिल हमको लाइन में लगना पड़ रहा है तो। बाकी इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आगे से कुछ इस तरह दिखता है और पीछे इसमें पूरा सब कुछ नंबर वगैरह भी है जो मैं हाइड कर लिए हैं, जिसमें कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है पूरे जो अपने एटीएम कार्ड के पीछे नंबर होते हैं कितने डिजिट के, 16 डिजिट के, वो सारे नंबर हैं, CVV सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फिलहाल मैंने उंगली के पीछे हाइड कर रखा है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। बाकी पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है, ये बारकोड है जिसको स्कैन करके भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हो। सो गाइस ये था पेटीएम ट्रांजिट कार्ड के बारे में। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि अगर आप ये बनवाना चाहो तो आप ये कहाँ से बनवा सकते हो। इसको बनवाने के लिए गाइस आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन पर विजिट करना है, वहाँ पर बड़े से काउंटर लगा होगा, पेटीएम का बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर जाओ और जाके बोल दो मेरे को ट्रांजिट कार्ड बनवाना है, वो आपको बना के दे देंगे, 250 रुपये लेंगे और 200 रुपये जो है आपको मिल जाएंगे कार्ड के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया। और इसका जो बैलेंस अपडेट है वो पेटीएम वॉलेट में 24 घंटे में होता है, समझ रहे हो कि जैसे अभी आपने ट्रैवल किया तो जो आपका अमाउंट कटा वो आपको अगले दिन दिखेगा, तो ये चीज़ होती है इसमें। बाकी फर्दर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइस मेरे को पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, बट आपको जल्दी वीडियोस मिलती रहेगी। बाकी मैं मिलता हूं इस वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। बाकी गुड बाय।